सबसे पहले इस पत्ते को देखकर पहचान लीजिए दोस्तों यह बेर का पत्ता है यह पत्ता आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है आप में से कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी आप बहुत सारे पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की वीडियो बनाते हैं और जानकारी देते हैं लेकिन हमारे घरों के आसपास पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बेर के बारे में है ध्यान दें बेर कोई साधारण पौधा नहीं है तंत्र में इसके दो जबरदस्त पावरफुल प्रयोग हैं और दोस्तों आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसके तीन प्रयोग हैं जो आपको सुख शांति देंगे घर में वैभव को बढ़ाएंगे और तांत्रिक प्रयोग आपके शत्रु का सर्वनाश करेंगे सबसे पहले तो इस पौधे का का नाम जान लीजिए बेर का वनस्पति नाम है जिजफस मोरिश इसे अंग्रेजी में जूजूब के नाम से जानते हैं ध्यान से वीडियो देखिए और बेल के पत्ते को पहचानिए ग्रामीण इलाके के लोग इसे जरूर पहचानेंगे प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे और यही वह बेर है बेर के पौधे में बहुत सारी दैवीय शक्तियों का वास होता है इस वीडियो में मैं आपको इसके आध्यात्मिक तांत्रिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है ध्यान से देखना और सुनना है सबसे पहले बताइए यह जो बेर के पत्ते हैं इन्हें आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस प्रकार की आयुर्वेदिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपके कमेंट को और भी लोग देखते हैं जब आप अपने राज्य का नाम लिखते हैं और बताते हैं कि इसे आपके राज्य में किस नाम से जाना जाता है तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ते हैं और लाभ उठाते हैं अब मैं आपको इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं आयुर्वेदिक लाभों के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपनी अलग विशेषता विशेषता होती है बस हमें उनकी को पहचानना आना चाहिए और उनके आयुर्वेदिक गुणों को जानना आना चाहिए इस प्रकार कोई भी पेड़ पौधा हमारे लिए फालतू नहीं रह जाता बल्कि वह हमारे लिए दिव्य और देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है तो दोस्तों जो यह बेर का पौधा है इसके अंदर विटामिन मिनरल और एंटी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं इसीलिए दोस्तों इसे स्वास्थ्य वर्धक भी कहा जाता है आचार्य चरक ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई है चरक संहिता सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है दोस्तों यह सिर दर्द के लिए रामबाण दवा है चाहे आपके सिर में कैसा भी दर्द हो यह दर्द को दूर भगाने का काम करता है अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत होती है तो यह घरेलू उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है बेर की जड़ और पीपली को पीसकर सिर पर लेप करें तो यह किसी भी प्रकार के सिर दर्द को ठीक करेगा जैसे कि अधिक पारी की पीड़ा जो सूरज ढलने के साथ साथ होती है और सूरज उगने के साथ बढ़ती है इसे भी यह ठीक कर सकता है यह उन दर्दों को भी ठीक करता है जो दवाओं से ठीक नहीं होते साधारण सिर दर्द के लिए भी यह रामबाण है इसके अलावा यह आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या दिन भर के काम के बाद आंखों में दर्द होना आम बात है इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीस कर आंखों के चारों तरफ लगाएं। इससे आंखों के सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने में मदद मिलती है इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या नक्सीर को भी दूर करता है दोस्तों जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना हमेशा पूरी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है और सभी लोग जान लीजिए पेड़ पौधों की जानकारी अब भी नहीं तो आपको आगे चल करके काम आएगी दोस्तों पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा कमाना भी सीख सकते हैं एक वैद्य बन सकते हैं तो दोस्तों गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है जिसे हम नक्सीर बोलते हैं और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है तो करना क्या है बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है बैर वृक्ष के पत्ते तो इस प्रकार के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है तो नक्सीर बंद हो जाता है कनपटी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं इसके बाद यह मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है दोस्तों मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है इसके पत्ते लेना है पांच से दस इसके पत्ते ले लीजिए दो सौ एम एल पानी ले लीजिए उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है फिर आपको गरारा करना है तो दोस्तों मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं वह भी ठीक हो जाते हैं मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है खून निकलता है वह भी दूर हो जाती है तो यह एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा बिना किसी खर्च के बिना रुपए लगाए आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं इसके बाद दोस्तों यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है जरा वीडियो को ध्यान से सुनना हमने बहुत सारे लोगों को देखा है उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है दोस्तों ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है दुबले हो जाते हैं तो इसके लिए करना क्या होता है समान भाग में जामुन लेना होता है और कट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है एक से दो ग्राम और इसमें मधु मिलाकर के शहद मिलाकर के चाटना होता है तो कैसा भी जो उल्टी हो है ना उल्टी होना बंद हो जाती है चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तो तांत्रिक लाभ क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिए वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें लोग इनका दुष्प्रभाव हो सकते हैं तो देखिए दोस्तों कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यार बुझाने के लिए और अगर उसमें कोई निर्भ दुद्धि आकर के आत्महत्या हत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है न की कुआ जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूँ और दोस्तों में जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूँ और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं अजमाया हुआ हूँ क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ तो दोस्तों अगर अमावस्या के दिन केवल इसके इक्कीस कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन नौ बजे के बाद अगर फेंके जाए तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए अमावस्या के दिन और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है शत्रु को बर्बाद होने से उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी लेकिन यह प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है दोस्तों जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इनका प्रयोग करना क्योंकि यह सौ प्रतिशत लाभ देता है तंत्र शस्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है दोस्त कभी प्रभाव विफल नहीं जाता इसके कांटे और स्याही से इसके कांटे लेना है दोस्तों इसके आपको कम से कम सात कांटे लेने हैं और सही से एक प्रकार का पक्षी होता है उसी से हमें कांटे प्राप्त होते हैं यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे तो इसके साथ कांटे लेने हैं और से के साथ कांटे लेने हैं और दोस्तों आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाड़ना है तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा अर्थात दोस्तों आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है तो यह उपाय जरूर करना आपके घर का बंधन हो जाएगा फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा मैं इसीलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों का भला हो दोस्तों धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन इसके और भी आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं जो प्रयोग आपको आगे चल कर के काम आएंगे तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है मूत्र संबंधी बीमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी है जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है जलन होती है मूत्र रुक रुक के आता है मूत्र में दर्द होता है जलन होती है यह सारी वेदना से यह सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को सबरी ने बेर खिलाए थे तो दोस्तों ऐसा माना जाता है भगवान राम को भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाए तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं तो यह काम जरूर करना भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले बेर का फल मिले तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को ज़रूर भेंट करना दोस्तों भगवान राम को यह बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी इसके बाद दोस्तों ऐसा भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जन संपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है दोस्तों ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है इनके भाग्य में हो होता है लेकिन भौतिक सुख मिल नहीं पाता है तो एक काम करना मंगलवार के दिन किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों भोग के लिए भेंट के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए भोग चढ़ा दीजिए आपका मंगल मजबूत हो जाएगा जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों उन्हें धन ऐश्वर्य भौतिक सुख यह सब स्वत प्राप्त होते हैं इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है तो इसका एक ज्योतिष प्रयोग बता रहा हूं वह भी ध्यान से सुनना विवाह में लम्ब हो रहा है तो बेर के फल इसके फल लेने हैं कितने फल लेने हैं इसके पांच फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है उसमें इसके पांच फल लेने हैं यह बांध करके आपको अपने शरीर से आपको अपने शरीर से सात बार उतारा लगाना है सात बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है केवल पांच मंगलवार तक यह क्रिया करनी है और इसके बाद दोस्तों शाम के समय में आप आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप यह पांच इसके फल लिए लाल वस्त्र में इसे बांधा है इसे आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यह एक और प्रयोग है तांत्रिक प्रयोग है इसके पांच फल लीजिए इसे लाल कपड़े में बांधी सात बार शाम के समय में जब दिन हो ना रात हो सायकाल इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से सात बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है तो विवाह में विलंब आ रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का, का मामला है शत्रु ने परेशान करके रखा है दोस्तों उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा आपके शत्रु उनका स्वत ही नाश हो जाएगा विवाह में विलंब हो रहा है विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा दोस्तों आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे प्रयोग बता दूं दोस्तों खुजली को यह दूर करने में भी प्रयोग होता है आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है तो बेर जो है दोस्तों आपकी परेशानी को दूर कर सकता है बेर की जड़ का काढ़ा बना करके उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है चावल पकाना है और इसे आपको खाना है दोस्त इससे खुजली में राहत मिलती है क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोग होता है दोस्तों थोड़ा सा अटपटा होता है उल्टा होता है और देखिए हमेशा याद रखना आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो न भी नहीं करती है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों बेर की जो जड़ है इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गया है कीड़े लग गए हैं वह भी मर जाते हैं इसके बाद दोस्तों एक काम ज़रूर करना मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूँ हूं बिच्छू अगर किसी को डंक मार ले काट ले तो इसमें यह रामबाण की तरह काम करता है तो बेर की छाल को पीस करके बिच्छू के कांटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है सूजन होती है जो घाव होता है दोस्तों उसमें राहत मिलती है बेर की छाल को इसके पत्ते नहीं इसकी छाल को पीसना है पीस करके बिच्छू जहां पर डंक मारा है कांटा है वहां पर लेप लगाइए तो जोदा होता है गर्मा टाइप का जोदा होता है ना बिच्छू मारने के बाद उस अदा में आपको काफी राहत मिलेगी दर्द है सूजन है यह धीरे धीरे दूर हो जाएगी दोस्तों अगर आप भी बेर के बारे में कोई और आयु आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग जानते हैं आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूरत बताना दोस्तों ताकि आने वाले समय में आपके द्वारा बताई गई जानकारी हम अपने चैनल में साझा कर सकें और आप जो भी जानकारी इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे धार्मिक प्रयोग बताएंगे वह जानकारी में आपके नाम से इस चैनल में जानकारी साझा करूंगा आपका नाम भी बताऊंगा आपका नाम शो करूंगा तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा जानकारी पसंद ई हो तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ कमेंट में अपनी राशि जरूर से डाल दी यदि कोई उपाय होगा तो आपको बता दिया जाएगा